आज 25 जनवरी, हमारा पिछले 24 घंटा में सभी जिला में ड्राई वेदर ही था और डेंस फॉग ऑब्जर्व हुआ है मेनली कोस्टल विशाखा डिस्ट्रिक्ट में, फ्यू प्लेसेस में, और उंगुल में शैलो टू मॉडरेट फॉग भी मयूरभंज, केवंझर, मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। और मिनिमम टेम्परेचर जो है, लोएस्ट मिनिमम टेम्परेचर था फुलवानी 11.0 डिग्री सेंटीग्रेड, भुवनेश्वर में 20.0 डिग्री सेंटीग्रेड, हमारा सिटी में। इसमें मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में 2 to 3 डिग्री करके इंक्रीज किया है लास्ट 24 आवर्स में, और इसका बाजू से अभी हमारा स्वाभाविक से टेम्परेचर मेनी प्लेसेस में 2 to 3 डिग्री अबव नॉर्मल है। अभी अगला 5 दिन के लिए हमारा जो फोरकास्ट रहेगा, अगला 5 दिन में फर्स्ट 4 डेज मीन्स 28, 25, 26, 27, 28 ड्राई देर रहेगा। 29th में हमारा मेनली नॉर्थ वेस्ट उड़ीसा में और कोस्टल नॉर्थ उड़ीसा में क्लाउडीनेस होने का चांसेस है, और क्लाउडीनेस का साथ साथ वेरी लाइट रेन कुछ कुछ जगह में हो सकता है। मेनली हमारा बरागढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, सुंदरगढ़, देवगढ़, केवंझर, ओंगोल, मयूरभंज, ये सब डिस्ट्रिक्ट का अंदर में एक दो जगह में हल्का बारिश भी होने का चांसेस है 29th में। बट इसमें हमारा मेनली क्लाउडीनेस ही रहेगा, क्लाउडीनेस का साथ हल्का बारिश हो सकता है, चांसेस भी है थोड़ा। अभी हमारा अगला 5 दिन के लिए बाकी जो फॉग कंडीशन का जो है, अगला 2 दिन में डेंस फॉग होने का चांसेस है। नेक्स्ट 24 आवर्स मीन्स कल सुबह ओंगोल, ढेंकनाल, बोध, कंदावन, लोहागढ़, खुर्दा, कटक, जाजपुर, भद्रक, केंद्रपाड़ा, जगत सिंहपुर, ये सब डिस्ट्रिक्ट का अंदर में डेंस फॉग होने का चांसेस है आइसोलेटेड वे में। और शैलो टू मॉडरेट फॉग कुछ कुछ जगह में हमारा कोस्टल विशाखा सभी डिस्ट्रिक्ट में, और इंटीरियर में मयूरभंज, केवंझर, ओंगोल, ढेंकनाल, बोध, कंधमाल, रायगढ़, कोरापुट, मलकानगिरी में रहेगा। 27th में भी हमारा फॉग कंडीशन रहेगा, बट थोड़ा सा डिक्रीज होगा नॉर्दर्न उड़ीसा से। इसमें कंधमाल, बोध, नयागढ़, खुर्दा, कटक, ओंगोल, ढेंकनाल, जगत सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में डेंस फॉग एक दो जगह में हो सकता है, और नवरंगपुर, कालाहांडी, पुरी, नॉर्थ कोस्टल का बाकी सभी डिस्ट्रिक्ट और में हमारा शैलो टू मॉडरेट फॉग होने का चांसेस है। डे 3 में फिर हमारा ओनली शैलो टू मॉडरेट फॉग का ही चांसेस है, मीन्स 28 को। मिनिमम टेम्परेचर जो है, मिनिमम टेम्परेचर अभी ज्यादा चेंजेस नहीं होगा। मिनिमम टेम्परेचर का अभी हमारा जो है इसमें मिनिमम टेम्परेचर प्लस माइनस 2-1-2 डिग्री का अंदर ही रहेगा, और अगला 4-5 दिन तक मिनिमम टेम्परेचर स्वाभाविक से ज्यादा ही रहेगा, 2 to 3 डिग्री स्वाभाविक से ज्यादा रहने का चांसेस है। फिर मिनिमम टेम्परेचर हमारा थोड़ा सा फॉलिंग टेंडेंसी रहेगा 30th व 31st जनवरी से फॉलिंग टेंडेंसी रहेगा। और अभी हमारा भुवनेश्वर सिटी का जो है मेनली क्लियर स्काई रहेगा डे टाइम में, लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग में डेंस फॉग कुछ कुछ एरिया में हो सकता है। मिनिमम टेम्परेचर जो है अभी 19-20 का बीच में रहने का ही चांसेस है भुवनेश्वर सिटी में। अभी जो ये सिचुएशन हमारा हो रहा है इसमें साउथ छत्तीसगढ़ से मराठवाड़ा तक एक ट्रफ लाइन है लो लेवल में, जिसका वजह से हमारा लो लेवल में उड़ीसा में मेनली ईस्टर्ली विंड थोड़ा आ रहा है, जिसमें मॉइस्ट और वार्मिंग फील हो रहा है।